हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला सोया सूप। पैन गरम करते हैं और डालेंगे इसमें पानी। इसे हम बॉईल करेंगे और उसके बाद डालेंगे सोया चंक्स, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप छोटे या बड़े दोनों यूज़ कर सकते हैं। सोया चंक्स को आप करीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे और देखिए इस तरह सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा, आप इसे पानी से निकालें, ड्रेन करें और साइड रख दें। अब ग्रेवी बनाने के लिए पैन गरम करेंगे, डालेंगे तेल और ऑनियंस चॉप। इसे कुक करेंगे जब तक ऑनियंस ब्राउन नहीं हो जाता कलर में, और फिर चलिए डालते हैं खड़े मसाले। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ तेज़पत्ता, दालचीनी के कुछ टुकड़े, इलायची, लौंग। आप यहाँ स्टार एनाइस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मसाला नीचे से जल रहा है तो आप इसी स्टेज में पानी भी यूज़ कर लें। साथ ही साथ डालेंगे ग्रीन चिलीज चॉप्ड और थोड़े मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। साथ ही साथ डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। और उसके बाद डालेंगे हम टमाटो प्योरे। करीबन 5 से 8 मिनट के लिए आप इसे लो फ्लेम में पकाएंगे, जब तक हमारा जो ग्रेवी है वो थिक नहीं हो जाता, टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते। तो इसे आप कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें, नहीं तो आपकी ग्रेवी नीचे से जलने लगेगी। आप फास्टर कुकिंग के लिए इसी स्टेज में सॉल्ट भी यूज़ कर लें एज़ पर योर टेस्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही टमाटर पक जाए, लो फ्लेम करके कर्ड डालेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे हल्के हाथ से, नहीं तो ये फट जाएगा। और आप इसे कंटिन्यूसली सिर्फ तब तक मिक्स करेंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। देखिए जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा, आप इसमें सोया चंक्स डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीबन 10 मिनट तक हम सोया चंक्स और मसाला को मिक्स करते करते पकाएंगे। इससे क्या होगा, सोया चंक्स में मसाला अच्छे से लग जाएगी और सोया चंक्स में फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी स्टेज में अगर आपको ग्रेवी को एडजस्ट करना होगा तो फिर आप पानी ऐड कर ले, मिक्स करें और कुक करें। जब ये देखिए 10 मिनट के बाद इस तरह बॉयल होना शुरू हो जाएगा, आप डालें गर्म मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। ये रेसिपी एकदम ढाबे स्टाइल बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए डालते हैं कसूरी मेथी, इसे ना क्रश करके डालिएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे चलिए गार्निश करते हैं कोरिएंडर लीव्स के साथ। आप यहाँ पे मिंट लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलिए सर्विंग करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।